गुड मॉर्निंग। आज की डेट है 22nd of March और हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं करंट अफेयर एमसीक्यू। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे रहेगा कि नाबा कलेबारा त्यौहार किस राज्य के अंदर मनाया जाता है। तो ये त्यौहार है ओडिशा का, ठीक है। तो इसको यहाँ पे ओडिशा के अंदर बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। और देखिए, हाल ही के अंदर हम यहाँ पे अगर बात करें तो जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं, उन्होंने हाल ही के अंदर यहाँ पे 10 से लेकर के 1,000 रुपये के जो संप्रदाय है उसके दौरान यहाँ पे सिक्के जारी किए गए हैं। और जो यहाँ पे 2015 के दौरान जो नाबा कलेबारा त्यौहार है ये मनाया जाता है, उसी को देखते हुए यहाँ पे उड़ीसा के अंदर पूरी के अंदर एक राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के अंदर शताब्दी समारोह को यहाँ पे शुरू किया गया है, और जो कि 8 मार्च 2018 को उड़ीसा के अंदर इसको शुरू किया गया, ठीक है। और जहाँ तक इसकी बात की जाए तो ये यहाँ पे एक प्राचीन अनुष्ठान है और जिसको तभी से लेकर के एक प्राचीन त्यौहार के रूप में इसको यहाँ पे मनाया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। सत्यपाल मलिक जो वर्तमान के अंदर बिहार के राज्यपाल है, उनको किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो वो दिया गया है इनको ओडिशा का। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। यहाँ पे अभी फिलहाल में अगर बात करें तो ये बिहार के राज्यपाल हैं, लेकिन एक ही जो राज्यपाल है वो दूसरे स्टेट का भी राज्यपाल बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे सत्यपाल मलिक को बिहार के राज्यपाल और उड़ीसा के राज्यपाल के रूप में यहाँ पे अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं। यूरोपीय संघ ने हाल ही के अंदर एक दूसरे के उपग्रह से पृथ्वी पर अवलोकन डेटा साझा करने के साथ किस देश के साथ में समझौता किया है। देखिए, वो हमारा किया गया है भारत के साथ में। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। भारत और यूरोपीय संघ ने यहाँ पे एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके तहत उन्होंने बोला है कि जो पृथ्वी का है अवलोकन डेटा साझा करने के लिए एक वो सक्षम बनाएंगे, और दूसरे उपग्रह से जिस तरह से भी समझौता होगा वहाँ पे यूरोपीय आयोग की ओर से एक फिलनेट बुननेट जो कि अंतरिक्ष नीति है कार्पोनिकस की, उसके द्वारा ही यहाँ पे रक्षा निर्देश और वैज्ञानिक सचिव पीजी दिवाकर द्वारा यहाँ पे ये करार किया गया है, ठीक है। ताकि यहाँ पे दोनों कंट्री जो है मिलकर के यहाँ पे जो पृथ्वी का है अवलोकन करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। कौन सा शहर खान और खनिज पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन के थर्ड एडिशन की मेजबानी कर रहा है। तो वो है ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा, न्यू दिल्ली। ये यहाँ पे खान और खनिज जो एक राष्ट्रीय सम्मेलन है उसका यहाँ पे थर्ड एडिशन होने के लिए जा रहा है और ये शुरू हो गया है 20 मार्च 2018 से न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे राज्य सरकारें और जितना भी यहाँ पे खनन उद्योग है उन संगठनों के द्वारा एक वित्तीय जो कि संस्थान है उसके द्वारा ही प्रतिनिधियों के इस कार्यक्रम के अंदर भाग लिया है, ठीक है। आगे देखते हैं। कौन से केंद्रीय मंत्रालय ने नई दिल्ली के अंदर पोषण अभियान की पहली राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कर रहा है, ठीक है। तो वो किस यानी कि मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है, तो वो है हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, ठीक है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। ये पूरे देश के अंदर एक फास्ट ट्रैक मोड है और जिसके तहत इस अभियान को चलाया जा रहा है, और ये जो हमारा शुरू हुआ है ये न्यू दिल्ली के अंदर इसको शुरू किया गया है, और इसकी जो पहल है यानी कि एक कार्यशाला जो कि नई दिल्ली के अंदर जो प्रवासी भारतीय केंद्र है उसके अंदर शुरू की गई है, और इसके अंदर बोला ये जा रहा है कि यहाँ पे जो महिलाएं हैं, ठीक है, या फिर जो बच्चे हैं उनको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी यहाँ पे हासिल करने के लिए मिलेगी या फिर सरकार के द्वारा यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो महिलाएं हैं और जो बच्चे हैं उनका भी बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ेगा टेक्नोलॉजी के अंदर, और उनको नई नई टेक्नोलॉजी जो भी आई है उसके बारे में जानने के लिए यहाँ पे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। कौन सा राज्य महिला विज्ञान कांग्रेस के 7th एडिशन की मेजबानी कर रहा है। तो वो है मणिपुर। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा, ठीक है। और ये यहाँ पे जो कि महिला विज्ञान कांग्रेस है उसके द्वारा इसको यहाँ पे उद्घाटन किया गया है। पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल है
केसरी नाथ त्रिपाठी उनके द्वारा। ठीक है, आगे देखिए, 2018 विश्व स्पैरो दिवस यानी कि चिड़िया, ठीक है, किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये तो मनाया जाता है हमारे यहाँ पे 20 मार्च को। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा यानी कि 20 मार्च। ठीक है, इसके अंदर बोला जा रहा है कि हर वर्ष यहाँ पे 20 मार्च को एक जो गिरावट देखी जाती है पक्षियों के अंदर, उसी को यहाँ पे एक अच्छा आवरण देने के लिए यानी कि अच्छा इन्वायरमेंट देने के लिए और उनको प्रिजर्व करने के लिए इस दिन को यहाँ पे मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, हाल ही के अंदर निधन हो चुके सुनील शर्मा को किस क्षेत्र से लगाया गया था? तो ये थे पत्रकारिता से, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ठीक है, आगे देखिए, शीतल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर है, ये किस नदी के ऊपर बनाया गया है? ठीक है, तो ये बनाया गया है चिनाब नदी के ऊपर, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ठीक है, आगे देखिए, इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क 2018 की 17वीं वार्षिक सम्मेलन किस शहर के अंदर शुरू हुई? तो ये हुई नई दिल्ली के अंदर, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ये यहाँ पे एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता नेटवर्क है जो कि 17वीं वार्षिक सम्मेलन नई दिल्ली के अंदर 21 मार्च 2018 से शुरू हो गई है। ठीक है, आगे देखते हैं, 2018 वर्ल्ड काव्य दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये जो विश्व कविता दिवस है ये हमारा मनाया जाता है 21 मार्च को, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। 21 मार्च को हर साल दुनिया भर के अंदर इसको मनाया जाता है और कविताओं का एक सम्मान किया जाता है इसके अंदर, यानी कि कविता का गायन और इसकी परंपरा, कविता पढ़ने या फिर इसको बढ़ावा देने के लिए, और जितने भी कवि हैं, अभिव्यक्ति और जितने भी भाषाई विवादित है उनको यहाँ पे जश्न मनाने के अलावा इस दिन के जो मुख्य उद्देश्य हैं उसके बारे में भी यहाँ पे बताया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, अनुमान समिति ने हाल ही के अंदर सुरक्षा प्रणालियों के अंदर आधुनिकरण के लिए प्रभावी उपयोग सुझाए हैं, ये किस समिति की अध्यक्षता है? ठीक है, तो ये है यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट रहेगा, मुरली मनोहर जोशी। ठीक है, ये यहाँ पे डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी की अध्यक्षता वाली एक सिस्टमेटिक कमेटी है जिसकी की जो आधुनिकता है उसके प्रभावों और उसके उपयोग की सिफारिश की गई है, और विकसित देशों के समरूप इस देश की सुरक्षा व्यवस्था इनको यहाँ पे अपग्रेड करने के लिए इस प्रणाली को लागू किया गया है। ठीक है, आगे देखिए, किस बैंक ने भारत प्रबंधक गारंटी निगम के साथ में बंधक गारंटी समर्थित गृह की ऋण पेशकश करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो वो है भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ठीक है, आगे देखिए, 2018 के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की खुशी का विषय क्या है? तो वो है साझा खुशी, यानी कि ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा, शेयर खुशी या फिर साझा खुशी, जिस तरह से भी। ठीक है, ये यहाँ पे खुशी का एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जो कि हर साल 20 मार्च को इस उत्सव को मनाया जाता है बड़ी ही धूमधाम से पूरी दुनिया के भर। ठीक है, और यहाँ पे जो लोग हैं वो जीवन के अंदर खुशी का दिन यहाँ पे दूसरे लोगों के साथ में साझा करते हैं, यानी कि मिलजुल करके खुशी मनाते हैं और यहाँ पे एक खुशहाल दुनिया बनाने की यहाँ पे प्रेरणा देते हैं। ठीक है, और जो इसका विषय है वो यहाँ पे रहेगा साझा खुशी। ठीक है, आगे देखिए, भारत सरकार ने एक प्लास्टिक पार्क स्थापित करने के लिए झारखंड के किस जिले के अंदर मंजूरी दे दी गई है? तो वो है देवघर, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। भारत सरकार ने मार्च के अंदर यहाँ पे झारखंड के जो जिला है देवघर उसके अंदर एक प्लास्टिक पार्क बनाने की यहाँ पे मंजूरी दे दी है, और इस परियोजना के तहत ही यहाँ पे इसको बोला जा रहा है कि कम से कम भी 120 करोड़ रुपए की लागत के साथ ही ये यहाँ पे इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो खड़ा होगा। ठीक है, आगे देखिए, कोरिया गणराज्य के लिए भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है, तो वो कौन है? तो वो है ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा, अतुल एम गोत्सवे। ठीक है, यहाँ पे इनको नियुक्त किया गया है और ये एक प्रभारी जो कि आईएएस अधिकारी है, ठीक है, सॉरी आईएफएस अधिकारी है। आगे देखिए,
भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 106 एडिशन के अंदर मेजबानी करने वाली कौन सी अवस्था है, सॉरी ये अवस्था नहीं, ये यहाँ पे होगी संस्था है, ठीक है, तो वो है ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक कर दीजिए, लाइक करने के साथ साथ शेयर भी कर दीजिए, और जो भी यहाँ पे ज़रूरतमंद है उन तक इन चीज़ों को आप ज़रूर पहुँचाइए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।